एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक चैप्टर द एयरक्राफ्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चन, जो हमारे लेटेस्ट पैटर्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चंस को करने से आपको एक फॉर्मेट पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन, एक्सट्रैक्ट नंबर वन। ठीक है, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपियर टू सच अ वैगाबॉन्ड, यानी कि हमारा रेड ट्रैप सेलर हु प्लॉट्स अलोंग द रोड, वो बेचारा सड़कों पे अकेला घूमता है, अपने ही मेडिटेशंस में अपने दिमाग में सोचता रहता है। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, बट एक दिन क्या होता है, चलते 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 उसके दिमाग में कुछ विचारधारा आ जाती है, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसको बहुत एंटरटेनिंग लगती है। वो कुछ सोचता, कहता है, मन ही मन बड़ा खुश हो जाता है, हंसने लगता है, एंटरटेनिंग लगता है उसको। क्या लगता है उसको? उसे ऐसा लगता है गाइस कि जैसे मैं रैट ट्रैप बनाता हूँ, चूहे के पिंजरे बनाता हूँ, चूहे फंसाने के लिए चूहे पे उसमें रोटी लगाई जाती है, ब्रेड लगाई जाती है, चीज़ पोर्क बाहर के देश के लोग लगा देते होंगे चूहे को पकड़ने के लिए, चूहा लालच के मारे उस पिंजरे में आके बंद हो जाता है। वैसे ही पूरी दुनिया का भी तो यही हाल है, पूरी दुनिया ये पिंजरा है, पूरा का पूरा दुनिया, और लोग बेट्स क्या, लालच क्या, ये आजकल की लग्जरीज, रोटी कपड़ा मकान पैसा, ये फलाना ढमकाना, ये सब क्या है, ये सब लग्जरीज है जिसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब वो सोच के खुश हो जाते हैं कि कोई नहीं भाई, पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है, मैं रैट ट्रैप बना रहा हूँ तो क्या हुआ, पूरी दुनिया ही रैट ट्रैप है, सब लोग फंसे हुए हैं। द वर्ड वैगाबॉन्ड हेयर मीन्स, ये वैगाबॉन्ड वैगाबॉन्ड जो भी प्रोनंसिएशन है, इसका मतलब क्या है? बिजनेस मैन, ट्रैवलर, वॉन्डरर, बेगर, करेक्ट आंसर है वॉन्डर, बेगर नहीं है, वॉन्डरर, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, द वर्ड रैट ट्रैप स्टैंड्स फॉर, रैट ट्रैप मतलब क्या है? अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन एंजॉय टू बी ट्रैप, रैट ट्रैप मतलब एक ऐसी जो जहाँ लोगों को ट्रैप होना अच्छा लग रहा है, सिचुएशन भूख से वाली सिचुएशन, बहुत भूख लगना, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन दैट ऑफर नो प्रोस्पेक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट ऑफर प्रोस्पेक्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो रैट ट्रैप यहाँ पे मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप बाहर नहीं आ सकते हो। ऐसी तो चूहे के साथ होता है जब बंद हो जाता है भाई, कोई बहुत ही चालू चूहा वो तारों के बीच में से निकल के चला जाए, मेरे घर में ऐसा हुआ है कई बार, तो वो अलग बात है, वरना अगर चूहा फंस गया तो नहीं निकल सकता उसमें से। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स के साथ होते, कभी लालच के मारे किसी अगर सिचुएशन में फंस जाओ तो वहाँ से निकलना और इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी वन, हु हैड फॉलन इन टू द लाइन ऑफ थॉट, कौन आ गया लाइन ऑफ थॉट में? मैन हु बेग्स, मैन हु सेल रैट ट्रैप, मैन हु रॉब, मैन हु रन एरेंड्स, करेक्ट आंसर बी वन, सेल रैट ट्रैप। वॉट अकॉर्डिंग टू द मैन इज अ बिग रैट ट्रैप, क्या है बड़ा सा रैट ट्रैप उसके अकॉर्डिंग? होल वर्ल्ड, आइलैंड एंड सीज, सिटीज एंड विलेजेस, ऑल ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइस करेक्ट आंसर होगा होल वर्ल्ड। अब उसने आइलैंड, सी, सिटीज एंड विलेजेस सब कर दिया है, तो हम कहेंगे होल वर्ल्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर होल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट आ गया हमारा अगला, इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इन टू, ही ट्राइड टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो वो जब जंगल में चले जाते हैं ना, पैसेज चुरा के, वो वाला से हमारा पैराग्राफ ये शुरू हो गया। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज द मूड ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, कैसा मूड है इस वाले एक्सट्रैक्ट का, जब वो भैया जंगल में बिल्कुल ही खो जाता है, वैसे ही दिसंबर चल रहा होता है, इतनी ठंड, मिस्टीरियस रेस्टफुल था, ओमनियस डेस्पेयरिंग, थॉटफुल विम्सिकल फिलोसफिकल एंग्विश का था, ओमनियस और डेस्पेयरिंग था, क्योंकि और बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि कुछ कभी भी कुछ गलत हो सकता है हमारे उसके साथ, और वो हमारा जो है रैटर बेचने वाला, और वो काफ़ी ऐसे डेस्परेट सिचुएशन में था कि मैं इससे बाहर निकल जाऊँ, वो एक जाल में फंस चुका था, तो डेस्परेशन था ना कि मैं बाहर निकलूँ इस फॉरेस्ट से। बी वन करेक्ट आंसर। By what bait had peddler been fooled? ऐसा कौन सा लालच था जिससे peddler fool हो गया था? वो जो पैसे थे ना coroner, कितने coroner थे बता दो comment section में, उनसे हो गया था वो। He had stolen money from the trusting crofter. B1 correct answer है। Sorry, C पे है अभी। C, he had stolen money from the, ये guys ये MCQ series में ना ये ध्यान रखना। अभी मैंने क्या करा, मैंने हाँ बी वन देख के बोल दिया, एग्जाम में गलती मत कर देना, गलती से ऐसे बी लिख दिया, हो जाती है कभी कभी ऐसे जल्दीबाजी में, अब मैं थोड़ी सी जल्दीबाजी में पढ़ा रही थी, क्या हुआ कि गलती से मैंने, मुझे पता है ऐसी ऑप्शन करेक्ट है, बट गलती से भी बोल दिया। अब आपको ये गलती नहीं करनी है अपने एग्जाम में, कि आपको पता है ऑप्शन सही कौन सा और गलती से गलत लिखा, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना तो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसा आप लोग मत करना। तो करेक्ट आंसर है सी वन, ही हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ट्रस्टिंग क्रॉफ्टर। तभी मैं आपको जब आपकी एग्जाम आने आऊँगी पूरी ट्रिक्स बताऊँगी कि पेपर जल्दबाजी में नहीं करना, बहुत ही अच्छे तरीके से, स्लो स्पीड में भी नहीं, आप कहो कि बिल्कुल एक ऐसी स्पीड में आप पेपर सॉल्व करोगे कि आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट होगा, बहुत शॉर्टी के साथ कंप्लीट होगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो अच्छे अच्छे तरीके से गाइस इंग्लिश पढ़ते रहो। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन टर्न हैविंग कम वॉज द पेडलर हैड। तो उसने जो वो जो टर्न उसने लिया था कि चलो मैं फॉरेस्ट की तरफ चला जाता हूँ, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ? ही गॉट इरिवर्सिबली लॉस्ट इन द थिक रैप फॉरेस्ट।
बीन फूल्ड एंड इम्प्रेजेंट इन अ होपलेस प्रिजन, प्रिजन में चला गया था, हैड बीन वॉकिंग अराउंड द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, पूरा वही फॉरेस्ट में गोल गोल घूम रहा था, वॉक द होल फॉरेस्ट विदाउट फाइंडिंग देम. तो करेक्ट आंसर है वो बार बार जो है गाइज वो अपने ही जो है ट्रैक में लॉस्ट हो चुका था. तो गाइज आंसर इज A1, वो उस जो थिक फॉरेस्ट था उसमें खो चुका था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. द अबव एक्सट्रैक्ट रिचली एम्प्लॉयज लिटरेरी डिवाइसेस. अबव वाले एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस है, अब हमें उनको मैचिंग करनी है. अब लिटरेरी डिवाइस के लिए वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने लास्ट सीरीज में भी बताया था, एक वीडियो है गाइस 12 मिनट की या 10 मिनट की, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम. लिटरेरी डिवाइसेस बाय सिमरन सहानी, पोएटिक डिवाइसेस बाय सिमरन सहानी, आप उस वीडियो को जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक गिवन है. अगर आपने वो वीडियो देख ली जो आपके चैप्टरों में और जो आपके पोएम्स में सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेरी पोएटिक डिवाइस यूज होते हैं वो आपकी टिप्स पे हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है. आप जाके उस वीडियो को देखो, उससे समझो पोएटिक डिवाइसेस और फिर आप पोएटिक डिवाइसेस खुद से पहचान पाओगे. कुछ ऐसे हैं जो उसे मैंने कवर नहीं करे, उसके लिए मैं इस साल अलग वीडियो बना दूंगी. ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं. अभी आप ये वाले को क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करोगे, ठीक है, सो दैट आपको ये आ जाए करना. ठीक है, आप पहले वो वीडियो देखना, डेफिनेटली आपको आ जाएगा, एंड बाद में हम जब अपना रिवीजन करेंगे तब मैं आपको इसका आंसर बता दूंगी. ठीक है, वैसे आंसर आप अभी चेक कर सकते हो, B1 होगा इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का, बट आई वांट पहले आप ना समझ लो पोएटिक डिवाइसेस. अब मैं इस वीडियो में पोएटिक डिवाइसेस समझाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप पहले अलग अलग से पोएटिक डिवाइसेस समझ लो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास सेव करके रख लो, इसका आंसर देख लो और बाद में हम इसको चेक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज एंड देन शी नोटेड दैट द मैन वाज अफ्रेड. ये एडला जी जब वहाँ गई थी और उन्हें पता चल जाता है कि ये आदमी मुझसे डर रहा है, और वो ये भी समझ जाती है कि शायद इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भाग के आया है, और फिर वो क्या बोलती है उनको कि कैप्टन आप श्योर हो जैसे आप हमारे साथ चलोगे वैसे आप वापस आ सकते हो, ऐसा नहीं है, मतलब वो जो श्योर करके आप हमारे साथ घर चलोगे तो हम आपको वापस छोड़ देंगे, ऐसे जेल वेल में डलवा देंगे आपको. तो हु इज शी इन द अबव लाइन? एडला है. व्हाट डज शी रिक्वेस्ट? क्या रिक्वेस्ट करती है? शी रिक्वेस्ट टू स्टे फॉर क्रिसमस. किससे करती है? हमारे वो पेडलर से. द वर्ड कंपैशनेटली हियर मींस कंपैशनेटली मतलब एंग्रीली, सिंपैथेटिकली, पीसफुली. तो वो सिंपैथेटिकली उन्हें देखती है, ठीक है, सिंपैथी फील करती है उनके लिए कि वो कैसी हालत में उस समय पे थे. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न. तो ये एंड हो गया हमारे चैप्टर का, वहाँ से पैराग्राफ लिया गया है. जब जो है रैट ट्रैपसेलर, पेडलर, वेगाबॉन्ड, कुछ भी बोलो, ऐसे उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने क्यों क्रॉफ्टर का ट्रस्ट तोड़ा, और उसे बाद में और एहसास होता है वो सिर्फ एडला की वजह से होता है क्योंकि एडला ने उसको बहुत कंपैशनेटली, सिंपैथेटिकली डील करा. चाहे एडला को पता चल गया कि वो कैप्टन नहीं है तो उसने अपना वादा निभाया कि भाई मैंने वादा करा था क्रिसमस पे अच्छा काम करना है. वैसे भी कहते हैं कि क्रिसमस है और ऐसा दिन है कि आप मदद करो अपने फादर को, कहते हैं आखिरी दिन हम किसी को अपने घर से बाहर निकाल दें जिसको हमने खुद वादा करा था, और फिर वो उसको कैप्टन की तरह ही ट्रीट करते हैं. तो वो जो एडला ने जो है जैसा बिहेवियर एडला का था उससे हमारा रैटर्स बिल्कुल चेंज हो रहा था. उसकी लाइफ में आज तक उसके साथ किसी ने ऐसा डील नहीं करा था. उसे रियलाइज़ होता है कि एडला वो इंसान है जिसने मुझे इस पिंजरे में रैटर्स पे फंसने से बचा लिया, क्योंकि वो क्रॉफ्टर का पैसा जब तक उसके पास रहता तब तक पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती, तब तक वो उस रैटर्स में फंसा रहता, और अब उसने वो पैसा वापस कर दिया था और उसने क्या कहा, मैं भी कैप्टन की तरह ट्रीट करूँगा, मुझे चोर नहीं बनना, मुझसे गलती हो गई. वो वाला एक्स्ट्रैक्ट है ये, ठीक है, और वो साइन वाइन कर देता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द पेडलर अकॉर्डिंग टू द अबव एक्स्ट्रैक्ट. क्या हम एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं? ओके, तो फर्स्ट गिवन है इनडेप्टनेस. तो यस, वो एडला के लिए डेप्ट में था. उसको लग रहा था एडला ने मेरे पे कितना एहसान करा है, मुझे इस जेल से जो ये मैंने पिंजरा अपने लिए बना लिया था उससे बाहर निकाला है. रिफॉर्म मतलब चेंज. हाँ, हमारे पेडलर में चेंज आया तो कि उसने चोरी के पैसे वापस लौटा दिए, कह रहा मैं नहीं बनूंगा चोर. सेल्फ पिटी नहीं, वो सेल्फ पिटी नहीं कर रहा था, सेल्फ अवेयर. हाँ, वो अवेयर हो गया था गाइस जबकि मुझे ये काम नहीं करना, तो पिटी नहीं फील कर रहा था वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक. तो सी वाला नहीं है एट्रीब्यूट पेडलर के लिए. व्हाई डिड पेडलर गिफ्ट अ रैट ट्रैप एज अ क्रिसमस प्रेजेंट? क्यों करा था? बिकॉज इट वॉज ऑल द पेडलर हैड दैट ही कुड गिव अवे एंड रिप्रेजेंट हिज टर्न टू ऑनेस्टी. तो उस बेचारे को क्या आता था? वो ही बनाना तो आता था, तो उसने गिफ्ट में वही दिया, वो शो करा कि वो ऑनेस्ट हो चुका. बीच में उसने पैसे भी रख दिए थे और एक लेटर लिखा. The word frame has been used to indicate a rigid structure that surrounds something such as picture, door or window pane. There are other meanings of frame too. Choose the option that does not list the meaning of frame. Next question पे चलते हैं. This
कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों के बीच में, एडला जो लेटर पढ़ी और जो हमारे एडलर ने लिखा उसके बीच में, एक प्रॉमिस है, एक रिग्रेट है, एक अपॉलॉजी है, एक शेम है. तो करेक्ट आंसर होगा 1 और 3. वो प्रॉमिस कर रहा है मैं आगे से गलत काम नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, धोखेधड़ी नहीं करूँगा, और अपॉलॉजी भी मांग रहा है. तो करेक्ट आंसर 1 और 3. ठीक है, तो विद दिस गाइज वी हैव कम्प्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर के ऑथर का नाम मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक. रैटर आप चैप्टर पढ़ना है, प्लेलिस्ट गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप सारे चैप्टर्स पढ़ सकते हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत डिटेल वीडियो में, अच्छे तरीके से एक लाइन में आपको एनसीईआरटी की समझा दूंगी. यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोज. आप क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं तो उनके लिए ये सब सीरीज हैं. और अगर आपको नोट्स चाहिए, समरीज चाहिए, राइटिंग सेक्शन देखना है, तो सबके लिए गाइज मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहाँ से जाके आप नोट्स एक्सेस कर सकते हो, समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर, एवरीथिंग. ठीक है, और राइटिंग सेक्शन पढ़ना है और अगर रीडिंग सेक्शन की वीडियोस देखनी है तो उनकी भी प्लेलिस्ट गिवन है. क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है आप लोगों को, पॉलिटिकली और ज्योग्राफी, एंड अगर आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़नी है तो प्लेलिस्ट आप गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स. क्लास 12 स्टूडेंट, गो एंड चेक आउट माई चैनल और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.